हर जगह पर सोशल मीडिया में तारीफ हो रही है मुनव्वर फारूकी को, जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया मनारा ने, जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया अभिषेक और अरुण ने। हालांकि अरुण ने भी बहुत ही अच्छा किया है और तारीफ हो रही है, पर ज़्यादातर तारीफ जो है अभिषेक, मुनव्वर और मनारा की हो रही है। मुनव्वर ने बहुत ही अच्छा किया है, जिस तरीके से डंके की चोट पे उनसे लेके आए और ये भी बात बोला कि अगर दम है तो भाई छीन लो। यही तो टास्क होता है, यही तो सब चीज़ें होती है जो कि बाहर जनता को एंटरटेन करवाती है और बात करने का मौका देती है। तो पर मनारा के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी वहां पर, मनारा को बहुत गंदे शब्दों का सामना करना पड़ा। अंकिता लोखंडे ने कितने गंदे तरीके से, रूड तरीके से मनारा के साथ बात की और वहीं पर जो है अपनी एक्चुअली में असलियत दिखाई और मनारा ने अपनी असलियत नहीं भूली और वहां पर अंकिता जी ही उसने बोला। इस बीच में जो विक्की है, विक्की ने क्या बोला कि उसकी गोदी से तो उठ जा, उसकी टांगों से तो उठ जा, समथिंग ऐसा गंदा वर्ड जो है वो यूज़ किया, जहां पर मनारा ने हार नहीं मानी। पर मनारा एक वक्त के लिए सोची ज़रूर कि भाई ये कैसा लग रहा होगा, ये मेरे ऊपर ऐसी उंगली उठा रहा है, तो अरुण को उस जगह पर बिठाया और बाद में भी बैठी पर बीच में पिल्लो डाल के। तो ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं सब चीज़ें। ये कितने गंदे लोग हैं जो कि मनारा के ऊपर इतनी सारी चीज़ें जो है उठा रहे थे, और जिस तरीके से अभिषेक ने प्रोटेक्ट किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा। ईशा ने कितनी गंदी बातें जो है मनारा को बोली। बस मेरा ये था कि आखिरकार मुनव्वर जो है वहाँ पर, मुनव्वर भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, आखिरकार बोलना चाहिए था कि तुम लड़की के ऊपर ऐसा सब चीज़ें कैसे बोल सकते हो, विक्की भैया तुम कैसे बोल सकते हो, ऐसी गंदी बातें कैसे बोल सकते हो। हालांकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही थी कि किसी को भी ये चीज़ें समझ ही नहीं आई, पर मनारा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। सीरियसली किसी को भी ये बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, पर अगर ये चीज़ें पहले हो जाती, शो के इवन आधे में ही हो जाती, अगर बिग बॉस इंटरफेयर नहीं करता, तो आज ये शो जो है हिट कहलाता। जितना मज़ा जो आज के एपिसोड में आया है ना, जितना गुस्सा आया ना आज के एपिसोड में, आज तक के जितने भी बिग बॉस 17 के एपिसोड रहे हैं ना, उतना मज़ा और उतना गुस्सा नहीं देखे गए जितना आज आया मज़ा। आप लोगों को क्या लगता है? तो मनारा चोपड़ा ने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया, मुझे बहुत बुरा लगा यार उस बंदी के लिए। और ये आयशा जो कि ये बात बोलती है, अपनी शक्ल तो देख ले क्या बात करेगी, आगे और पीछे का बताएगी कि कैसे दिखाती हूँ, शक्ल नहीं है और बात करती है, शक्ल तो बना लेती। भाई तेरी शक्ल ही सुंदर है क्या? और तू अपना एटलीस्ट शुक्रिया अदा कर ऊपर वाले का कि तुझे जो है इतना काबिल बनाया है, तेरे ऊपर तेरी बॉडी के किसी भी पार्ट के बारे में कोई मजाक या कोई भी ऐसी गंदी बात नहीं बोल रहा है। आखिरकार तुम्हारी बॉडी में पूरा डिफेक्ट है भाई, तुम किसी दूसरे की शक्ल के लिए ऐसी बात कर रही हो, कितना घमंड है तुम में? इसीलिए तुम में घमंड ना हो क्या? ऊपर वाले ने तुम्हें ये खामी दी है भाई। मुझे भगवान माफ़ करे, ऐसी सब चीज़ें मुझे भी नहीं बोलनी चाहिए, पर आखिरकार ऐसे लोग कैसे किसी की शक्ल के ऊपर, बॉडी के ऊपर ऐसा कैसे जा सकते हैं? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।